हेलो एवरीवन स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेंथ क्लास का साइंस का चैप्टर सेवन है उसके पेज वन वन नाइन के हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आ रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग यानी कि एक रिफ्लेक्स एक्शन के बीच में और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है ठीक है तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है देखो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है ना हमारा स्पाइनल कॉर्ड मेन इन्वॉल्व होता है और वहां पे हमारा ब्रेन को थिंकिंग का टाइम नहीं मिलता है मतलब थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है ठीक है सो इट इज द एक्शन विच इज परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली जो खुद से परफॉर्म्ड होता है हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन को एंड वॉकिंग इज समथिंग जो हमारे कंट्रोल में होती है हम सोच के कर रहे हैं हम दिमाग लगा रहे हैं खुद से तो इट इज समथिंग जो कि हमारे से रिलेटेड है हम इसमें इन्वॉल्व हैं और रिफ्लेक्स एक्शन में अगर हम यहाँ पे बात करें ये ऑटोमेटिकली होता है ठीक है ये हमारा muscles तक जाएगा इसमें इसमें पूरा thinking involved होगी लेकिन इसमें कोई thinking involved नहीं होगी ये कंट्रोल होता है कोऑर्डिनेट होता है spinal cord, uh, spinal cord की help से और यहाँ पे जो मेन इंस्ट्रक्शन है वो हमारे ब्रेन से आते हैं द मेन इंस्ट्रक्शन कम फ्रॉम द ब्रेन ठीक है ये एक इन्वॉलेंट्री एक्शन है जिसमें हमारा खुद से हमारी मर्जी नहीं चलती है यानी हम सोच के नहीं परफॉर्म करते हैं बल्कि ये अपने आप हो जाता है लेकिन वॉकिंग इज समथिंग हम ऐसे ही नहीं चलना शुरू कर देंगे कहीं पे भी क्योंकि वो चीज हम सोच के करते हैं इट्स इन आवर कंट्रोल हमारे कंट्रोल में ये प्रोसेस रहता है विच इज वॉकिंग ठीक है तो ये मेन डिफरेंस हो गया रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग प्लस ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे लिखी दिया है कि ये स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है ये ब्रेन कंट्रोल करता है वॉट हैपन्स एट द साइन एप्स बिटवीन द टू न्यूरोन अब आपने

दस इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन नर्व सेल टू अदर नर्व सेल बाय साइनेप तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में साइनेप्स के द्वारा मतलब साइनेप्स एप्स इज द मेन एम्प्टी स्पेस दो नर्व सेल के बीच में और वहां से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल से ठीक है दिस इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम द डेंड्राइड टू द सेल बॉडी यहाँ पे क्या होता है जो इम्पल्स है वो एक डेंड्राइट से दूसरे सेल बॉडी में ट्रांसफर होती है. ठीक है एंड देन अलोंग द एक्सॉन टू इट्स एंड यानी कि पहले जो इम्पल्स है वो डेंड्राइट से सेल बॉडी मेन जो बॉडी है वहां पे जाएगी उसके बाद एक्सॉन से ट्रेवल करेगी एक्सॉन के एंड में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिलीज होगा जो कि केमिकल रिलीज करेगा ठीक है ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है इसकी वजह से केमिकल रिलीज होगा एंड ये जो केमिकल है ये इस गैप या फिर साइन को क्रॉस करके क्या करेगा स्टार्ट करेगा एक और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड इस तरह से नेक्स्ट में जाएगा सो so बेसिकली आपको पता ही होगा कि जो इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरे नर्व सेल के तक जा रही है दैट इज बिकॉज ऑफ 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 दिस क्वेश्चन थर्ड है पार्ट द द ब्रेन मेंटेन एंड बॉडी कौन सा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का जो पोस्टर और इक्म मेंटेन करता है पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन कॉल द सेरिबेलम ये हमारा पोस्टर मेंटेन करता है ये जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए वॉलेंट्री एक्शन के लिए एंड हमारे पोस्चर्स और बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए आपको पता ही ये ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं उसमें जो हिंड ब्रेन है उसका जो पार्ट है सेरिबेलम वो कंट्रोल करता है हमारे वॉलेंट्री यानी हमारी मर्जी के एक्शंस या पोस्चर या बैलेंस को कि हमारा पॉस्चर और बैलेंस बना रहे हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती सपोज एक अगरबत्ती है इंसेंस है हम उसकी स्मेल कैसे डिटेक्ट कर पा रहे हैं द स्मेल ऑफ अगरबत्ती डिफ्यूजेज इन द एयर ये जो स्मेल होती है अगरबत्ती की ये एयर में डिफ्यूज़ हो जाती है इट इज डिटेक्टेड बाय ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर प्रेजेंट इन द नोज इसे डिटेक्ट कौन करता है ऑलफेक्ट्री रिसेप्टर्स ठीक है ये डिटेक्ट होते हैं ऑलफेक्ट्री रिसेप्टर्स की हेल्प से जो हमारी नोज में प्रेजेंट होते हैं ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑलफेक्ट्री लोब तक पहुंचती है किसके थ्रू सेंसरी नर्व जो सेंस करती है चीजों को और वो सेंसरी नर्व का जो जिसे कहते हैं ना कि वो पहुंच रहा है कहाँ पर फोरब्रेन तक ठीक है ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑल्फेक्ट्री लोब तक पहुंचती है जो कि में है, और किसके थ्रू पहुंचती है? है कि अच्छा इस चीज है रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन दे इज नो रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन यानी ब्रेन का कोई रोल नहीं होता रिफ्लेक्स एक्शन में क्योंकि हमको पता ही है कि ब्रेन तक पहुंचने का टाइम नहीं मिलता रिफ्लेक्स एक्शन में तो यहाँ पे ये जो इनवॉल्ट्री एक्शन है ये कंट्रोल्ड होते हैं spinal cord से, जो एकदम से होते हैं बिना सोचे समझे क्योंकि अगर हम सोचेंगे एनालाइज करेंगे तो तब तक तो काम हो जाएगा इसीलिए बिना सोचे समझे जो हमारी बॉडी है स्टिमली से रिस्पॉन्ड करती है उसको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं ठीक है आई थिंक वी आर डन हेयर यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर लिया है सो दिस वॉज क्वेश्चन इंटेक्स क्वेश्चन ऑफ वन वन नाइन अगर आप लोगों को डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ना है या टेंथ बायोलॉजी को पढ़ना है तो टेंथ की बायोलॉजी की प्ले है टेंथ की साइंस की प्ले है टेंथ की क्वेश्चन आंसर्स की प्ले है टेंथ की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की प्ले है आप लोग चेक कर सकते हैं वहां पर आपको चैप्टर प्लस क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिल जाएंगे थैंक यू सो मच हैव हैवे नाइस डे आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर आपको ये थोड़ी सी भी अच्छी लगी है वीडियो तो